नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नौकरी क्रंच यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अगर आपके पास भी फैमिली आईडी है, आप भी फैमिली आईडी का यूज करते हैं, तो आप लोगों को लिए मैंने ये वीडियो बनाया है। दोस्तों, आप फैमिली आईडी के अंदर बहुत सारे करेक्शन मॉड्यूल दिए गए हैं। लगभग सारे करेक्शन मॉड्यूल हैं जिसमें आप अपनी फैमिली आईडी में जो भी गलती है उसको ठीक कर सकते हैं। और यदि आप लोगों ने कोई करेक्शन मॉड्यूल में कोई रिक्वेस्ट डाली है, उसको ठीक ना होने का कारण आपका जो डॉक्यूमेंट अपलोड करना, आप लोग डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं करते हैं, इस वजह से आप लोगों की जो फैमिली आईडी में करेक्शन ठीक नहीं हो पाती है। मैं आप लोगों को इस वीडियो में कंप्लीट जानकारी देने वाला हूँ। काफ़ी चीज़ें जो हैं चेंज हो गई हैं कि आप कैसे अपना जो करेक्शन कर सकते हैं। जैसे आपको अगर आपकी शादी हो गई है, तो आपको मैरिज आपकी वाइफ को अपने अपनी फैमिली आईडी में ट्रांसफ़र करना है, तो कैसे करेंगे। बहुत सारी चीज़ें चेंज हो गई है। पर दोस्तों, उससे पहले वीडियो को कंप्लीट शुरू करने से पहले, यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि इसी तरह की यूजफुल वीडियो मैं जब भी बनाऊंगा वो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। और आप मुझे मेरे वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा भी आपको किस तरह की फैमिली आईडी से रिलेटेड कोई परेशानी आ रही है, ताकि हम उसका भी उसके बारे में भी कोई वीडियो बना सकें। तो दोस्तों, अभी मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि आप किन किन करप्शन मॉड्यूल को जो है की रिक्वेस्ट डाल सकते हैं। जैसे मेरी स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, एड्रेस, बैंक अकाउंट, कास्ट सर्टिफिकेट, डिलीट अनवांटेड मेंबर, इसके बारे में अलग से बताऊंगा, डेट ऑफ बर्थ, इंगेजमेंट, फादर, मदर नेम, जेंडर, इनकम। इनकम की सिर्फ आप रिक्वेस्ट डाल सकते हैं, इनकम का अभी कोई पक्का वो नहीं है। आप लोगों की वेरिफिकेशन, इनकम वेरिफिकेशन के हिसाब से ही आपकी इनकम जो है वो घटेगी या बढ़ेगी। अगर आपकी घटती है तो घटेगी, अगर बढ़ती है तो बढ़ेगी, पहले वेरिफिकेशन के हिसाब से ही होगी। उसके बाद इंस्टा माइग्रेशन, इज दिव्यांग, मैरिटल स्टेटस, मार्क एज अलाइव, मार्क एज डेड, मोबाइल नंबर, नेम, क्वालिफिकेशन, रेजिडेंट इन हरियाणा, सिंस, स्पाउस नेम। तो दोस्तों, ये चीज़ें आप जो हैं अपनी फैमिली आईडी में करा सकते हैं। यदि आपको अपना मेंबर ऐड करना है, कोई भी बच्चा ऐड करना है, तो आपको यहाँ पे ऐड मेंबर पे जा करके, या जिस जो भी मेंबर पहले कभी भी फैमिली आईडी में ऐड नहीं है, तो यहाँ पे ऐड मेंबर पे जाकर आप अपनी फैमिली आईडी में उस मेंबर को ऐड कर सकते हैं। तो उसके बाद आप लोगों को मैं बता देता हूँ, आप अनरिलेटेड मेंबर, यानी कि मैंने आपको बताया था यहाँ पे डिलीट अनवांटेड मेंबर, इस सेक्शन में जब जाएंगे तो आप लोगों को दिखेगा अनरिलेटेड मेंबर, डेथ ऑफ मेंबर, मैरिज मेंबर। मतलब ये चीज़ें आप लोगों के लिए इसलिए बनाई गई हैं, यदि आप लोगों की शादी हो गई है और आप अपनी जीवन साथी को अपनी फैमिली आईडी में ऐड करना चाहते हैं, तो उसको ऐड करने के लिए आपको मैरिज सर्टिफिकेट देना होगा। अगर किसी के घर में से, किसी के परिवार के मेंबर से किसी की मृत्यु हो जाती है, तो उनका डेथ सर्टिफिकेट देना होगा। यदि आपकी फैमिली आईडी में कोई अनरिलेटेड मेंबर है, तो उसके लिए डॉक्यूमेंट देना होगा। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को बता देता हूँ यहाँ पे आप लोगों को क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, डॉक्यूमेंट किस रिक्वेस्ट में क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, वो इस प्रकार से हैं। जैसे अगर आपकी कास्ट वेरिफिकेशन गलत हुई है, कोई जाति आपकी गलत हुई है, तो आप लोगों को आपका जाति प्रमाण पत्र या फिर शपथ पत्र नंबरदार पटवारी तहसीलदार से वेरीफाई करा के देना होगा। एड्रेस चेंज करने के लिए आपको वोटर कार्ड अपलोड करना होगा, और बैंक अकाउंट को चेंज करने के लिए आपने बैंक की पासबुक अपलोड करनी होगी, और उसके बाद डेथ मेंबर के लिए डेथ सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा, अनमैरिड से मैरिज के लिए मैरिज सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा। यदि आप अपने जीवन साथी को अपनी फैमिली आईडी में ऐड करना चाहते हैं, तो आपको मैरिज सर्टिफिकेट देना होगा। और अनरिलेटेड मेंबर के लिए सेल्फ शपथ पत्र एडीसी का नाम देना होगा, यानी कि कोई अनरिलेटेड मेंबर है आपकी फैमिली आईडी में ऐड हो रखा है, वो आपके परिवार का मेंबर नहीं है, तो आपने उसको क्या करना है कि आपने सेल्फ शपथ पत्र जो है एडीसी के नाम देना होगा, तभी आप लोग अनरिलेटेड मेंबर को डिलीट कर पाएंगे। यदि आपने आपने डेट ऑफ बर्थ का सर्टिफिकेट डेट ऑफ बर्थ ठीक करानी है, तो आप अपना डेट ऑफ बर्थ का सर्टिफिकेट, आधार कार्ड अपडेट, यानी आपका जो नया आधार कार्ड अपडेटेड है वो आधार कार्ड अपडेट, और आप 5वीं 8वीं 10वीं की मार्कशीट या SLC का सर्टिफिकेट जो है अपलोड कर सकते हैं। और उसके बाद आप लोगों को मैं बता देता हूँ
आपके फादर मदर नेम के लिए OTP बेस वोटर कार्ड बर्थ सर्टिफिकेट आधार कार्ड अपडेटेड, यानी कि आप आधार कार्ड के तहत ही अपना OTP वेरीफाई करके अपने मदर फादर का नाम चेंज करा सकते हैं। जेंडर चेंज करने के लिए आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट, आधार कार्ड और आपकी 5वीं 8वीं 10वीं या की सर्टिफिकेट या SLC होनी चाहिए। इनकम के लिए आपको सेल्फ शपथ पत्र ADC के नाम संबंधित विभाग का वैलिड प्रूफ देना होगा। और इन स्टेट माइग्रेशन के बारे में आप लोगों को बता देता हूँ। जैसे यहाँ पे आया हुआ था इन स्टेट माइग्रेशन, यानी कि आप लोगों को बता देता हूँ यहाँ पे इन स्टेट माइग्रेशन। अब मैं अगर बच्चा है तो आपके माता या पिता का वोटर कार्ड के साथ ही बच्चे का जन्म प्रमाण अपलोड करें, ठीक है। उसमें आप लोगों को बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र अपलोड करना पड़ेगा। दिव्यांग के लिए UDID कार्ड लगाना पड़ेगा। उसके बाद मैं आप लोगों को बता देता हूँ स्टेट माइग्रेशन में अगर बच्चा है तो आपके उसके माता पिता का वोटर कार्ड व साथ में बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र अपलोड होगा। और उसके बाद अगर दिव्यांग है कोई कैंडिडेट आपके परिवार में दिव्यांग है तो उसका आप लोगों को UDID कार्ड बनवा लेना है। उसके लिए मैं अलग से वीडियो बना करके अपने चैनल पर डाल दूंगा, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके बाद आप लोगों को बता देता हूँ अपने मोबाइल नंबर के लिए आधार कार्ड अपडेट, आपका जो मोबाइल नंबर है उसके लिए आपके जो आपका मोबाइल नंबर चेंज करना है, जो मोबाइल नंबर आप चेंज करना चाहते हैं वो आपके आधार कार्ड में अपडेटेड होना चाहिए, तभी आप अपडेट कर सकते हैं। नाम के लिए OTP बेस वोटर कार्ड बर्थ सर्टिफिकेट आधार कार्ड अपडेट और 5वीं 8वीं 10वीं मार्कशीट या SLC आप लोगों को देना होगा। क्वालिफिकेशन के लिए आपको लास्ट क्वालिफिकेशन जो भी आपने पढ़ाई करी हुई है 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन जो भी आपकी लास्ट क्वालिफिकेशन है वो आपको ऐड करके उसका सर्टिफिकेट अपलोड करना है। रेजिडेंस सर्टिफिकेट के लिए आपके पास NXR G साइन करके अपलोड करें, आप NXR G साइन करके अपलोड करना होगा। स्पाउस नेम के लिए आपको OTP बेस आधार कार्ड वोटर कार्ड मैरिज सर्टिफिकेट लगा करके अपलोड करना होगा, तभी आप ये सभी चीज़ें ठीक कर पाएंगे। यदि आप लोगों को फैमिली आईडी से रिलेटेड कोई भी समस्या आ रही होगी तो आप हमें वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके भी हमसे पूछ सकते हैं, उसकी हम पूरी जानकारी निकाल करके आपको रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए दोस्तों, यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो कृपया वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इसी तरह की यूजफुल वीडियो मैं जब भी अपने चैनल पर अपलोड करूँगा वो आपके पास सबसे पहले पहुँचेगी। धन्यवाद।